एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में पहले से लचर स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अब हालात और बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल का रुख कर लिया है। जिले भर के सरकारी अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, तो इन अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारी अधिकांश व्यवस्था संभाले हुए हैं, लेकिन अब इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद अस्पताल एकदम खाली से हो गए हैं। जिले के तेंदुखड़ा में आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सिविल अस्पताल के बाहर हड़ताल पर बैठे ये लोग सरकार और सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन कर्मचारियों में स्वीपर से लेकर ऑपरेटर, वार्ड बॉय, टेक्निकल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड सब शामिल हैं। इन लोगों को बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और उनकी हालत दयनीय हो गई है, और ऐसे में काम बंद करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। हम लोगों की पेमेंट नहीं मिली, आउटसोर्स कर्मचारी हैं हम लोग। हम लोगों की 5 माह से पेमेंट नहीं मिली है और काम भरपूर लिया जा रहा है। हम लोगों के बच्चे बीमार हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, उनकी फीस वगैरह कैसे चुकाई जाए, घर कैसे चलाया जाए। कब तक बैठी रहेंगे? जब तक हम लोगों की पेमेंट नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग समस्त आउटसोर्स कर्मचारी 5 महीने से वेतनमान नहीं मिला है, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसलिए महोदय जी से निवेदन है कि हमारी अति शीघ्र वेतनमान दिलाने की कष्ट करें। कब तक बैठी रहेंगे? जब तक वेतनमान प्राप्त नहीं होगी। हम लोगों की 5 माह से पेमेंट नहीं हुई है। हम लोग मजबूरी बस पेमेंट के लिए यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमारी संपूर्ण पेमेंट नहीं होगी। हमारी संपूर्ण पेमेंट करवाने की दया करें।